नमस्कार, आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका सुधा भार्गव द्वारा लिखी हुई कहानी विद्रोहिणी। पोस्टकार्ड हाथ में आते ही मैं झल्ला उठी। श्रुति, तूने 80 वर्ष पार कर लिए मगर गुल खिलाने से बाज नहीं आती। अपने पर भरसक काबू करते हुए मैंने पढ़ा, हमारी पूज्य माता जी श्रुति देवी जीते जी अपना मरण दिवस मनाना चाहती हैं, इसलिए शीघ्र ही ठीक समय पर पहुंचकर शोक सभा में सम्मिलित होने का कष्ट कीजिए। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। विनीत सुपुत्र गंगाराम। वाह रे गंगाराम, जीते जी माँ को गंगा में बहा दिया। मगर सुपुत्र भी क्या करे, दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाली के आगे अच्छे अच्छे पानी भरने लगते हैं, फिर उसकी तो बिसात क्या। कहने को तो वह मेरे एकमात्र अंतरंग सहेली है, पर कब क्या उसके दिमाग में चला जाए ये तो भगवान भी नहीं बता सकता। आज 21 तो हो ही गई, 25 अक्टूबर को शोक सभा का दिन नियत है। कैसा शोक दिवस, केवल खुराफात की बातें। जाना तो है ही, पूना से दिल्ली का रास्ता है भी बड़ा लंबा। सोचते सोचते अटैची में कपड़े लगाने बैठ गई। बहू ने 23 अक्टूबर का टिकट मेरे हाथों में थमा दिया। वह भी मेरी इस सखी से परिचित थी। उसकी दृष्टि में तो वह पुरानी सड़ी गली परंपराओं को तोड़ने वाली एक निडर व साहसी महिला है। अकेला सफर, ट्रेन दंदनाती अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रही थी, पर मैं इन सब से बेखबर बहुत दूर विद्रोह भरी दुनिया में जा चुकी थी। श्रुति के घर में लड़कियों का अकाल था, सो उसकी परवरिश लड़कों की तरह हुई। अपने को उनसे किसी कीमत पर कम समझने को तैयार न थी। दूसरे क्या कहेंगे यह सोचना तो उसके लिए टेढ़ी खीर थी। वह अक्सर दुमंजिले के कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा देखा करती थी। कई दिन से हमारे कॉलेज के शहजादे उधर के चक्कर लगा रहे थे। न जाने क्या सोचकर एक सोने की अंगूठी कागज में लपेटकर खिड़की के अंदर फेंकने की कोशिश की, पर अंगूठी उसे नहीं मिली। हाँ, वह एक अंगूठी अपनी माँ की अवश्य पहने रहा करती थी। कॉलेज में आते जाते उसने देखी और मूर्ख समझ बैठा वह अंगूठी उसी की है। वह एक पुर्जा थमाकर चला गया। लिखा था, प्रिय तुमने अंगूठी कबूल कर ली पर उत्तर नहीं दिया। उत्तर में मुझे भी तुम्हारी अंगूठी चाहिए। कमल। श्रुति गुस्से से थर थर कांपने लगी और बोली, अब चखाऊंगी बच्चू को मजा। घर पहुंचते ही अपने पिता को वह कागज का टुकड़ा थमा दिया और बोली, प्रिंसिपाल के लड़के ने मुझे यह कागज दिया है और समझता है कि मैंने उसकी दी हुई अंगूठी पहन रखी है। देखिए यह रही अंगूठी, यह तो अम्मा की है, न जाने कब से इसे पहने हुए हूं। बस आप इस कागज को लेकर तुरंत प्रिंसिपाल साहब के पास जाइए। उनका लड़का अपने आप को समझता क्या है। उसके पिताश्री अपनी बेटी का विश्वास करते थे, तभी तो जमाने के देखते हुए काफी छूट दे रखी थी। चाहे किसी दोस्त के जाए या ऑफिस में बैठे, अपने साथ रखना चाहते थे ताकि सबसे मिलना जुलना हो जाए। शाम होते ही उसके पिताजी प्रिंसिपाल साहब से मिलने चल दिए। दूसरे दिन श्रुति हंस हंसकर मुझे बता रही थी, आ गई अकल ठिकाने। जैसे ही पिताजी ने प्रिंसिपाल साहब को खत दिया, उन्होंने 1 मिनट तो से पढ़ा, फिर तो शर्म से गड़ गए। बोले, शर्मा जी मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगता हूँ। बच्चों से कभी कभी गलतियां हो ही जाती हैं, बस आप उसे समझा दीजिएगा, पिताजी ने बड़ी सरलता से कह दिया। उन्हें 1-2 बातें तो शहजादे को सुना देनी चाहिए थी, इतना तो हक बनता था ना। मुझे तो उसकी बातें याद करके हंसी ही आ रही है। उसका बस चलता तो डंडा लेकर कमल के पीछे दौड़ पड़ती, लेकिन एक तरह से उसने ठीक ही किया। गलतफहमियां दूर हो गईं, वरना उसी को उनका शिकार बनना पड़ता। उसकी यादों में खोना कितना सुखद एहसास दे जाता है। लगता है वो मेरे इर्द गिर्द ही है। 10वीं कक्षा पास कर मैं तो नैनीताल चली गई और वह आगरा हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी। छुट्टियों में घर जाती तो ऑफिस में बैठकर हिंदी पत्रों को छांटना, उनके उत्तर लिखना उसका ही दायित्व था, क्योंकि उसके पिताजी उर्दू और अंग्रेजी के तो ज्ञाता थे पर हिंदी में कच्चे थे। वैसे भी उसके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी का दायरा घर तक ही सीमित ना रहे, बल्कि बाहरी दुनिया का मुकाबला करना भी सीखे और उनके व्यापार को समझे। मंगला की स्मृतियों की खिड़की बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपनी बाल सखी के शरारत भरे अंदाज से आंखों के कोर मुस्करा उठे। उसके यहाँ पोस्ट ऑफिस से डाक लाने का काम एक व्यक्ति के सुपुर्द रहता था। एक बार जब वह आगरे से घर गई
आदत के मुताबिक पास बैठे चिट्ठियों का इंतजार कर रहा था कि एक कर्मचारी ने डाक लेकर प्रवेश किया। मेज तक आते आते उसने श्रुति को देख 3-4 बार एक आंख खोली बंद की, खोली बंद की। भला श्रुति कैसे सहन कर पाती है बदतमीजी। जैसे ही उस कर्मचारी ने डाक उसके पिताजी के हाथों में थमाई, वह उस कर्मचारी की तरफ इशारा करते हुए बोली, पिताजी क्या ये नए हैं? हाँ बेटा। इनकी आंख में कोई बीमारी है क्या? क्यों? दरवाजे में घुसने के बाद ही अपनी आंख 3-4 बार मिचमिचा चुके हैं। पिताजी ने त्योरियां चढ़ाते हुए ऊपर की ओर देखा। नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं है। बेचारा भागा दम दबाकर। दूसरे दिन सारा वाक्या लिखकर श्रुति ने मुझे भेजा। मैं उसके इसी मस्खरेपन पर तो मरती थी। एक बात मैं अच्छी तरह समझ गई थी, मेरी सहेली पुरुषों के कुत्सित विचारों की बाढ़ को रोकने में पूर्ण सक्षम है। यदि उस जैसी महिलाओं का जन्म होने लगे तो मर्दानगी और यौन शोषण द्वारा मौज मस्ती करने वालों का खात्मा हो जाए। उसको जब लड़के वाले देखने आए तो उसके पिताजी ने पूछा, बेटी क्या लड़का तुम्हें पसंद है? उसने खटाक से उत्तर दिया, लड़के ने मुझ समेत 3 लड़कियां देखी हैं। मैं पहला लड़का देखकर ही हाँ ना कैसे कह सकती हूँ? वैसे मुझे लड़का पसंद था, पर नहले पर दहला डालना न भूली। समय का चक्र बहुत तेजी से घूमता रहा। शादी के बाद हम अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए, पर पत्र व्यवहार बंद न हुआ। संयोग ऐसा होता कि मिलते भी रहते। 25 वर्ष पहले उससे मिलना हुआ था। उस समय उसकी लड़की नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी और बेटा 12वीं क्लास में। दोनों बच्चों के कमरे अलग अलग थे। हॉस्टल की तरह कमरे में ही जरूरत पड़ने पर खाना पहुंच जाता ताकि पढ़ाई में बाधा न हो। मैं कुछ देर ही बैठी थी कि श्रुति चाय बनाने को उठने लगी। मैंने उसे बैठते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही है, अब तो बेटी भी बड़ी हो गई है, वह चाय बना देगी। सुभद्रा बहुत पढ़ाई है, लड़की डॉक्टर इंजीनियर भी बने और घर का काम भी करे, इससे तो वह दोहरे बोझ तले दब जाएगी। यही तो हम गलती करते हैं, बेटे बेटी में अंतर समझते हैं। बेटी को प्रधानता और सुविधाएं देने से बेटी गौर समझी जाने लगती है। यही कारण है कि आगे जाकर इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि औरत तोयम के चौराहे पर खड़ी मिलती है। मेरी बेटी तो अपने भाई के कपड़े प्रेस करती है, जूतों पर पॉलिश करती है, पढ़ने में भी कम नहीं। उस पर मेहनत तो पड़ती है, शारीरिक परिश्रम की एक सीमा होती है। वह पढ़े भी, घर का भी काम करे, भाई बहन माँ बाप की सेवा भी करे, शादी बाद ताकि कुशल गृहिणी कहलाए। अरे ये सब औरत को दबाने की बातें हैं, बहनी क्यों करे, भाई भी तो कर सकता है। तो ठीक कह रही है, देख ना, मैं नौकरी करते हुए सारा घर भी देखती थी, ये तो टूर पर रहते थे, बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। रात रात तनाव के कारण जागती रहती, नींद की गोली लेनी पड़ती थी, इसी कारण तो कम उम्र में ही मुझे ब्लड प्रेशर हो गया। इतने में श्रुति की बेटी आई, बड़े प्रेम से बातें की और अपने कमरे में चली गई। सहेली के विचारों ने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। दूसरे दिन अहोई अष्टमी थी, उसकी बहू और पोती भी बंबई से आ गए। 2 वर्ष की प्यारी सी पोती पतली सी पायल पहने रुनझुन करती घर में घुमा करती। कल तो हम दोनों के साथ इसकी माँ भी अष्टमी को उपवास करेगी, अपनी पोती पर प्यार उड़ेलती बोली। बेटी की माँ? बरसों से प्रथा चली आ रही है, लड़के की माँ ही उसके मंगल कामना के लिए उपवास करती है और शाम को अहोई माँ की पूजा कर व्रत तोड़ती है। लड़की ने ही ऐसा क्या पाप किया है कि माँ उसका सुख न चाहे? ईश्वर के दरबार में सब बराबर हैं। श्रुति भड़क उठी। ईश्वर का दरबार तो मैंने नहीं देखा, पर श्रुति के दरबार में बैठी बैठी मेरे विचार जरूर पलटा खा रहे थे। अचानक रेल ने जोर से सीटी दी और मैं विद्रोह की रोमांचक दुनिया से बाहर निकली। पर आज भी तो मैं वहीं फंसने जा रही हूँ, उसी शरारती बाल सखा के घर, उसके जीते जी उसी के मरने का शोक मनाने। ऐसा न कभी सुना और न देखा, पर वह जो दिखा दे वह भी कम। अकेला सफर, रात के अंधकार में ट्रेन दंदनाती अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रही है। मन की दशा बड़ी विचित्र, सोचते सोचते प्रगाढ़ निद्रा में लीन हो गई। पौ फटते ही मेरी नींद खुल गई। कुछ घंटों के बाद दिल्ली पहुंचने वाली थी। स्टेशन पर उसका बेटा लेने आया। रास्ते भर सच और झूठ की कश्मकश में हम खामोश बैठे रहे। घर में घुसते ही श्रुति ने मुझे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैं अपनी सहेली की ठिठोली समझ गई। इतनी जोर से रो रही है, यह नाटक काहे का?
क्यों, शोक तो ऐसे ही मनाया जाता है। श्रुति हंस पड़ी, पर मैं अंदर ही अंदर खींच रही थी। अच्छा यह बता, अब तूने यह क्या नई रीत शुरू कर दी? मंजू, एक रात मैंने सोचा मेरे मरने के बाद ना जाने कोई ठीक से पूजा पाठ दान दक्षिणा करेगा भी या नहीं। इसी तनाव को दूर करने के लिए मैंने शोक दिवस के कार्ड छपवा दिए। मैं अपने काम खुद ही निपटा दूं तो अच्छा रहेगा। अब क्या करना है बताती जा, वरना मुझसे शिकायत रहेगी, यह नहीं किया वह नहीं किया। मैं उस झांसी की रानी को आंखें फाड़े देखती रही, और कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन आमंत्रित लोग एकत्र हुए, घर में रामायण का पाठ व कीर्तन हुआ। ईश्वर से श्रुति को अपने चरणों में जगह देने की प्रार्थना की गई। पहले पंडितों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी गई, तत्पश्चात सबको भोजन कराया। शाम को महापंडित जी का प्रवचन हुआ। उस समय श्रुति के बेटे बेटियां अपने परिवार सहित आगे ही बैठे थे, परंतु मध्य में श्रुति गंभीर मुद्रा में विराजमान थी। यह भी उसकी नाटकबाजी ही थी। स्कूल के जमाने की अभिनय प्रतिभा का खूब उपयोग हो रहा था। मित्रों रिश्तेदारों ने उसका खूब गुणगान किया। वैसे भी विनोदी प्रकृति के कारण दूसरों का दिल जीतना उसके बाएं हाथ का खेल है। इस तरह राजी खुशी शोक सभा समाप्त हुई। जिसने भी सुना एक महिला जीते जी अपने मरने की रस्में निभाना चाहती है, दौड़ा चला आया। उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। श्रुति का आदेश था मृतक भोज भंडारे से कोई भूखा ना जाए। यह रस्म निभाने का यदि कोई उससे कारण पूछता तो उसके पास एक ही उत्तर रहता, न जाने ऊपर वाले का कब बुलावा आ जाए। सो मैंने सोचा काल करे सो आज कर, और फिर उसका चिर परिचित अट्टहास गूंजने लगता। ऐसा निराला संसार है इस विद्रोहिणी का, न जाने कब क्रांति के स्वर उभर पड़े। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सुधा भार्गव द्वारा लिखी हुई कहानी विद्रोहिणी। दोस्तों कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।